ग्वालियर से है। तेज रफ्तार में आ रही बाइक का संतुलन अंधे मोड़ पर बिगड़ गया और तीन सवारों सहित बाइक नहर में जा गिरी। बाइक के साथ बहे तीन सवारों में से एक को नहर किनारे खेत पर काम कर रहे किसान ने बचा लिया, लेकिन हिंदू महासभा ग्वालियर के नेता व उनके छोटे भाई पानी में बह गए, जो दूसरे दिन भी नहीं मिले हैं। देवगढ़ के पास ये घटना होली के दिन बुधवार को हुई है। ग्वालियर हिंदू महासभा के जिले महामंत्री मोहन सिंह बघेल उम्र 60 वर्ष, अपने छोटे भाई बाबू सिंह बघेल उम्र 55 साल और भांजे पंचम सिंह उर्फ कल्लू बघेल उम्र 32 साल निवासी उत्तमपुरा देवगढ़ के साथ बुधवार की दोपहर 3 बजे के करीब सुंदरपुर गांव में भात देने जा रहे थे। पंचम सिंह बाइक चला रहा था और अधिक रफ्तार में बाइक होने के कारण शाला चौकी के अंधे मोड़ पर उसका संतुलन बिगड़ गया। बाइक सहित तीनों लोग चंबल नहर में जा गिरे। बताया गया है, नहर किनारे खेत पर काम कर रहे एक किसान की नजर नहर में गिरे बाइक सवार पर पड़ी। उक्त किसान ने नहर में कूदकर पंचम सिंह को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके मामा मोहन सिंह बघेल व बाबू सिंह बघेल पानी में बहे चले गए। सूचना मिलते ही बुधवार की शाम से देवगढ़ थाना पुलिस गोताखोर व स्थानीय ग्रामीण की मदद से नहर में बहे मोहन सिंह व बाबू सिंह की तलाश में जुट गई। देर शाम तक सर्चिंग अभियान चला, लेकिन दोनों का सुराग नहीं लगा। रात में ही नहर का पानी बंद करवाकर दूसरी शाखाओं में डाइवर्ट करा दिया, जिससे नहर का जल स्तर व बहाव कम हो गया। दूसरे दिन गुरुवार की सुबह 25 से ज्यादा ग्रामीण ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाई। दो टुकड़िया बंटी इस मानव श्रृंखला ने नहर के पानी में पैदल चलकर दोनों बुजुर्गों को तलाशना शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया गया। SDRF की टीम नहर में मोटर बोट डालकर मोहन सिंह व बाबू सिंह की तलाश में जुटी हुई है।